सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेद बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज है 26th of June। तो ये लूफी है इधर, ठीक है। तो ये लूफी है, इसको घूमने जाना है अभी, ठीक है। इसका घूमने का टाइम हो गया। तो भाई यही सीन है, 2 मिनट लूफी, 2 मिनट जाओ। होए 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 होए, अरे अरे अरे, का है जायचं आहे, फिरायला जायचं। होय होय होय, बरोबर, ठीक आहे ठीक आहे, चला 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 बाहेर। मम्मी कुठं आहे बघ, जा जाऊया, चल चल जाऊया बाहेर। मम्मी कुठं आहे बघ, आपण जाऊ, जा। तो भाई यही सीन है, लुफी को घूमने जाना है। और तो फिर से स्टार्ट करते हैं इंट्रो। तो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वेद बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज है 26th of June 2023 और सुबह के 5:53 हो गए हैं, ठीक है। तो आज है डे 175, हार्ट का डे 1, ओके। तो मैं सुबह 5 बजे उठा, जल्दी रेडी हो गया पूरा, ठीक है। और अभी मैं पानी पी रहा था, ठीक है। तो इधर तक बॉटल अभी फील थी, इतना पानी मैंने पी लिया है। तो दिन में 4 to 5 liters वाटर इनटेक, मतलब कंपलसरी है वो। तो यही सीन है, और अभी लुफी को घुमाने ले जाना है। और आज दिन में बहुत सारे काम है, तो यही सीन है। जो मैंने वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला अभी 10 बजे, ठीक है, क्योंकि कल रात बहुत देर हो गई थी एडिट करते हुए, 12:30 बज गए थे आई गेस। रात में इतनी देर में वीडियो कैसे अपलोड करूँ, तो वो सोचा कि सुबह सुबह 10 बजे अपलोड करता है, पर मैं रात में थंबनेल एडिट करना भूल गया भाई, थंबनेल एडिट करना भूल गया। तो अभी लूफी को घुमाने ले जाना है, उसके बाद वापस आके मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा, ठीक है, प्री वर्कआउट। और उसके बाद प्री वर्कआउट लेते समय मैं थंबनेल एडिट करूँगा, और थंबनेल एडिट करने के बाद रेडी होके जिम जाना है। आज मैं थोड़ा जल्दी जिम जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 8:30 बजे थोड़ा काम है, तो उससे पहले मुझे जिम से वापस आकर रेडी होना है, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन माई होम, ओके। तो कोई आया घर पे, उसको छोड़ने के लिए जाना है अभी स्टैंड पे, उधर से वो जाने वाली है। तो यही सीन है। तो सुबह सुबह मम्मी भी वॉक पे गई हुई है ऑलरेडी, तो ये बहुत चिल्ला रही है अभी लूफी। लूफी को भी घूमने जाना है अभी सुबह, क्योंकि उसका टाइम है अभी घूमने का, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और आज के व्लॉग के साथ शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई मैंने ये पूरी बॉटल खाली कर दी है, ठीक है, मतलब आधी ही फिल कर ली थी। तो आई गेस 1 लीटर की बॉटल है, तो ये आधा लीटर मैंने पी लिया अभी सुबह सुबह। तो हम ढूंढ रहे हैं अभी लूफी की बेल्ट किधर गई, तो उसको घूमने जाना है। पर भाई उसने क्या सीन कर दिया पता है, तो हम उसको बांध के ले जाते हैं ना घूमने। तो पहले क्या करते थे कि जब हम खाना खाते थे, तो शी यूज़ टू कम एंड मतलब वो पूरा हमारे प्लेट में, हम नीचे बैठते हैं ना। 1 मिनट, लाइट इधर की बंद है, ओके। वेट अ मिनट, वही की बेल्ट कुटा लो फिजा और इधर रख, कुड़ गई थी बाहर गई, और बाहर जाऊँ बस लेती। ओके, तो देखो इसको घूमने जाना है, और ये देखो इसको घूमने जाना है। और ये बेल्ट का जो इस छोटा सा हुक होता है ना उधर, वो उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसको हम बांधते हैं। तो भाई थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी है, तब फिर भी छोटा सा उधर से राउंड लेके इसको लाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर नाराज़ होकर बैठ जाती है, ठीक है। तो यही सीन है लूफी, चल। तो यही सीन है, ठीक है। तो इसको अभी जो हमारे कॉलोनी के पीछे पहाड़ है ना छोटा, उधर जाने के लिए खेलने के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन मैं 2-3 बार उसको लेके गया था, तो वो बहुत खुश हो गई थी। एंड अभी बारिश आ रही है पूरा, मैं भीग रहा हूँ, तो इसको पहले जल्दी से अभी लेके जाना पड़ेगा, इसको बारिश भी बहुत पसंद है। तो यही सीन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़ोर से बारिश आ रही है, लेट्स गो होम, चल लो कर गाड़ी, चल। तो भाई पूरा मतलब सीन ही हो गया, क्योंकि अभी बारिश आ रही है, और
मैं थोड़ा घुमाने लेके गया था, ठीक है, तो उसका एक्चुअली उसका मूड तो ख़राब ही हो गया। वो अभी खेल रही है उधर, आप देख सकते हो, ठीक है, खेल रही है अभी, और बारिश की वजह से मुझे पीछे आना पड़ा क्योंकि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता अभी, ठीक है। 75 डेज हमको पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो देख सकते हो आपकी बारिश आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं जब उधर गया ना भाई, बहुत ऐसे ज़ोर से बारिश आ गई, तो मैं भागते हुए पीछे आ गया, और अभी बारिश चली हुई है। देखो लुफी खाली ना जाए, चल चल वर्ती, चल चल, तो इसको बारिश में नहीं ले जा सकता लेकिन भाई ये भी बीमार पड़ जाएगी और मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी पहले रेडी होना पड़ेगा और थोड़ा भीग गया हूँ, ये पहले क्लीन कर लेता हूँ, कैमरा की तरह चेंज कर दूँ। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा भीग गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं। और आप सोचेंगे कि भाई सुबह सुबह इतना अंधेरा है इसी घर में, तो भाई सुबह सुबह इतनी लाइट्स मतलब लगा देते इतनी लाइट्स, ये देखो, लेकिन इसका पूरा अभी लाइट नहीं आता जितना चाहिए उतना, ठीक है। तो वापस से अंदर, तो मैं वापस घर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये मैंने कल के वीडियो के लिए लगाया था, तो इधर से मैंने निकाला ही नहीं है, ठीक है। अब मिडिल क्लास लोग कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए पूरा ऐसे सेटअप कहाँ खरीद लूँ, ये था मेरे पास, ये ब्लैक कलर का क्लोथ था मेरे पास, तो वैसे ही लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे प्री वर्कआउट लेना पड़ेगा 6 बजे, राइट। तो अभी जिम खुलती है 6 बजे, हमारे जिम ओपन हो जाती है, तो आई गेस प्री वर्कआउट लेके थंबनेल एडिट करना है पहले, और वीडियो शेड्यूल करना होगा मुझे। कल के वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया 75 हार्ड में क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कैसे रूल्स होते हैं, तो डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, वो तो मतलब कंपलसरी है डिसिप्लिन। और शेड्यूल बनाना है टास्क, मतलब दिन भर में टास्क कंप्लीट करना है, जितना हमारा टास्क है ना वो ठीक से कंप्लीट करना है, और डाइट ठीक से करना है, वर्कआउट ठीक से करना है, इंडोर एक और आउटडोर एक वर्कआउट करना है। तो मैं ट्राई करूँगा कि रात में भी आउटडोर वर्कआउट्स कर पाऊँ, क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो आई डोंट थिंक कि मैं आउटडोर वर्कआउट्स कर पाऊँगा, तो ज़्यादा तो मैं इंडोर ही वर्कआउट्स करूँगा। तो रनिंग के लिए हम जाएंगे, मैं ट्राई करूँगा कि आउटडोर भी ठीक से वर्कआउट कर पाऊँ, लेकिन रूल्स नहीं ब्रेक करना है अपन को, ठीक है। तो वर्कआउट तो कंपलसरी करूँगा ही, डाइट भी ठीक से करूँगा और शेड्यूल भी ठीक से रखूँगा। तो यही रूल्स होते हैं 75 हार्ड के, और दिन भर में वाटर इनटेक ये कंपलसरी है, और उसके साथ साथ सेल्फ 10 मिनट्स का रीडिंग भी, 10 पेजेस का रीड करना है बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट के 10 पेजेस रीड करना है बुक्स। तो आई डोंट हैव एनी बुक्स राइट नाउ, तो मैं PDF ही डाउनलोड कर दूंगा, तो उसी में देख लूँगा, ठीक है। बहुत मज़ा वैसा पकाने वाला आपको, ठीक है। तो अभी मैं प्री वर्कआउट बनाऊँगा, उसके साथ थंबनेल एडिट करना है, फिर हमको वीडियो भी शेड्यूल करना है, और उसके बाद रेडी होकर जिम जाना है, ठीक है। तो लेट्स गो। तो भाई मैंने प्री वर्कआउट कॉपी ले ली है, ठीक है, क्योंकि मेरे आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं स्टोरेज क्लियर कर रहा था। तो अभी मैं अपलोड था, मेरा अभी 6 कितना टाइम हो गया, 6:46 हो गया। तो लूफी भी इधर बैठी हुई है, और अभी जल्दी जल्दी थंबनेल एडिट करूँगा, और उसके बाद रेडी होके लूफी को खाना देना है अभी, और खाना देने के बाद रेडी होके जिम जाना है, ठीक है। तो थंबनेल फटाफट से एडिट कर देता हूँ। तो भाई ठीक है, फ़ोन से वीडियो अपलोड को लगा दिया, ठीक है। तो अभी 7 बज गए, ठीक है, अभी 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स वर्कआउट शोल्डर का पूरा करना है, ठीक है, शोल्डर वर्कआउट करना है, कि मैं आज लेग्स नहीं लेना चाहता, क्योंकि भागा दौड़ होगी और लेग्स को ख़राब नहीं करना है, मतलब लेग्स का वर्कआउट पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ कल सुबह करूँगा। तो अभी शोल्डर का बेसिक वर्कआउट करूँगा आज, और उसके बाद जो मेरे फ्रेंड है उसको छोड़ने के लिए जाना है, तो यही सीन है। सो चलते भी जिम, लेट्स गो। तो भाई हम अभी जिम जा रहे हैं, ठीक है। तो आज देर हो गई, 7:30 बज गए, 7 बजे तो जिम आना था, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया क्योंकि आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया यार, तो इसी की वजह से मैं लेट हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, शोल्डर वर्कआउट करते हैं,
और फिर आपसे मिलता है। आई थिंक वीडियो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज अभी सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है जिम में, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई फ़ोन प्लेस करना। पकावाओ कहे तो फ़ोन प्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिम में, ठीक है। तो यही सीन है, चलते हैं जिम और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, लेट्स गो। तो जिम से वापस आ गए थे क्योंकि ये पार्सल लेना था जिम के सर को, लेट्स गो। One hour later. तो भाई वर्कआउट हो चुका है, हो गया। तो भाई वर्कआउट हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं घर, ठीक है। तो अच्छा खासा पंप आ चुका है और शोल्डर वर्कआउट किया है, ठीक है। तो शर्ट निकाल के फिजिक अपडेट देने वाला था पर अभी थोड़ी जल्दी है इसलिए फिजिक अपडेट नहीं दे पाएंगे। तो पहले चलते हैं मेरे फ्रेंड को, अभी स्टैंड पर छोड़ के आना है और वापस मुझे रेडी भी होना है, तो लेट्स गो। तो अभी भाई सीन ये है कि मैं अभी कोडोली में जा रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह मेरे फ्रेंड को छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसका क्लास था, वो भी कैंसिल हो गया, इसलिए वो अभी घर में ही है। शायद 4 बजे ही जाने वाली हो, तो आई डोंट नो बट देखेंगे। तो सीन ये है कि भाई जो मेरी स्कूटी है उसका मडगार्ड जो है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अभी बारिश का मौसम है तो उसको नया लगाना पड़ेगा ही, तो वही इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ मैं अभी शोरूम में कोडोली में, ठीक है। तो यही सीन है। तो भाई ये ऐसा मौसम चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये धूप आपको दिख रही है किसी को पता नहीं, तो अभी चलते हैं अभी कोडोली में, देखते हैं ये पार्ट अवेलेबल है या नहीं और देखते क्या क्या सीन होगा, लेट्स गो। One hour later. तो भाई जो काम था वो तो नहीं हो गया, तो इसका ये जो फूड का आपको दिख रहा है ये लेने गया था लेकिन वो नहीं मिला है। तो अभी हम आ चुका अभी घर, तो चलते अभी घर उनका से थोड़ी देर में, लेट्स गो। मोर कुठे आहे ग? अहो तिकडे वेदून तिकडे भागा असेल। लंच हो चुका है, ठीक है। और अभी मैंने लंच कर लिया है, ठीक है। तो सीन ये है कि मेरी जो फ्रेंड है तो हमारा अभी ऐसा कंफर्म नहीं चल रहा है, मतलब वो रहेगी या नहीं मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या क्या सीन होता है। तो अभी फर्स्ट डे है 75 डेज़ का, ठीक है। तो बहुत ही सही चल रहा है, ठीक है, फ्लुएंटली चल रहा है। बस अभी वाटर इंटेक तो धीरे धीरे हो रहा है कंप्लीट वाटर, ठीक है। और अभी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के 10 पेजेस रीड करना है, उसके बाद ये ब्लॉग को एंड करने के बाद एडिटिंग करना है और वापस थोड़ा काम भी है वो भी करना है, ठीक है। तो यही सीन है। और ये लुफिंग बहुत तंग कर रही है, देखो पानी पाहिजे डोळा काय फाइनली मतलब इसका अभी कैंसिल हो चुका है, अभी ये नहीं जा रही, तो यही सीन है। तो अभी मैं 1 घंटा सोने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ऐसा गर्मी भी हो रहा है, तो इसी की वजह से अभी खाना खा लिया, ठीक है। थोड़ा काम था वो भी काम कर लिया, तो अभी 1 घंटा मैं सोऊंगा, उसके बाद फ्रेश होके कॉफ़ी लेके फिर मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। मार्केट का स्टडी है, वापस 10 पेजेस रीड करना है बुक्स के। अभी 1 घंटा सोने वाला हूँ मैं, ठीक है, तो मिलते 1 घंटे के बाद। तो भाई ठीक है, सीन ये हो गया कि 1 घंटा सोना था, 1.5 घंटा सो गया मैं, डेढ़ दो घंटा सो गया, ठीक है। अभी पूरा 6:30 बजे है, ठीक है, और 15-20 मिनट हो गए उठे हुए मुझे, यही सीन है। और अभी बुक का मतलब कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक रीड करनी है, ठीक है, तो यही सीन है। और
आई गेस अभी मैं एडिटिंग करूँगा कुछ वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस हैं तो उनसे कुछ सिनेमैटिक्स, उनमें से कोई सिनेमैटिक्स और वीडियोस एडिट करूँगा। फिर देखते हैं, कोई बुक के 10 pages रीड करना है और वो बुक कंटिन्यूली स्टार्ट रखना है अभी, ठीक है। तो अभी रेडी होके फ्रेश होके बैठा हूँ, तो अभी कॉफ़ी बनाऊँगा या फिर माँ को बनाने के लिए बोलूँगा, ठीक है। और मुझे सर्दी हो गई है, देख रहे हो, चैलेंज के पहले ही दिन, मतलब हो गई थी 3-4 दिन से, बीमार भी था पर रिकवर हो गई थी, वापस से और हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी सर्दी है, मुझे क्या रोकी है, यही सीन है, ठीक है। तो अभी कॉफ़ी लेते लेते हम एडिटिंग करेंगे, नहीं तो बुक रीड करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे, नहीं तो दोनों भी काम बैक टू बैक करेंगे, ठीक है। तो देखते क्या क्या सीन होता है। तो भाई अभी ये बुक शुरू करना है, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो इसके साथ कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय, ठीक है, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और मुझे बहुत सर्दी हो गई थी इसीलिए अभी हम चाय पियेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कम शुगर वाली चाय है, ठीक है, कोई बात नहीं इसका। तो पहले थोड़ा बुक रीड करेंगे, उसके बाद थोड़ा काम है वो करने जाना है और उसके बाद एडिटिंग स्टफ़। तो आई गेस हाँ, ये एडिटिंग स्टफ़। तो भाई कुछ काम से मैं कोडली में जा रहा हूँ, ठीक है, तो आते वक्त ही मैं चिकन लेके आऊँगा, तो रात में, रात के मील के लिए हम चिकन लेंगे, पहले चाय पियेंगे, बुक रीड करेंगे और जाके काम करके आएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या सीन होता है, ठीक है, लेट्स गो। ये अभी मैं नाइट की मील ले रहा हूँ, 3rd meal ऑफ द डे, जो कि है सोया चंक्स अगेन, क्योंकि चिकन पहला नाम, चिकन खाने का मूड नहीं था तो इसे सोया ही खा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी और एक लेट नाइट मील लेने वाला हूँ मैं, जो कि है बनाना और मिल्क, तो मिलते थोड़ी देर में। तो अभी सोया चंक्स की, मतलब जो मैं बुर्जी करता हूँ, ठीक है, सोया चंक्स का मील है, 4th meal मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सीन क्या होता है कि मैं रात में जब खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, तो उसके बाद सुबह जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तो मुझे बहुत भूख लग जाती है, और सुबह भी मैं प्री वर्कआउट में सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी के जाता हूँ, और ज़्यादा मतलब कुछ प्री वर्कआउट मील नहीं लेता मैं, तो इसी की वजह से मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और उसके बाद ठीक से वर्कआउट भी नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं 1/4 meal लूँगा, उसके बाद कोई नहीं ठीक से, मतलब मैं वर्कआउट कर पाऊँगा। तो कल सुबह भी ऐसा ही सीन होना है जैसे आज हो गया था, कि जल्दी जल्दी मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड को अभी सुबह सुबह छोड़ने जाना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी वर्कआउट के लिए जाएंगे। तो सीन क्या होता है हमारे जिम में कि सुबह जल्दी जल्दी बहुत भीड़ होती है, तो उधर फ़ोन प्लेस करना और उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, वो बहुत मतलब क्या है, सर दर्द का काम है वो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उधर, मतलब मैं अभी गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो इधर के जो लोकल के बच्चे हैं आते हैं जिम में, तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब भी होता है मेरे वजह से, क्योंकि जब मैं फ़ोन प्लेस करता हूँ किसी भी क्या बोलते हैं उसको, बेंच पे या फिर कहाँ पे भी, तो कभी कभी किसी को भी वो बेंच चाहिए होता है, तो वो वेट करता है, उसको डिस्टर्ब होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा सीन होता है, तो इसी की वजह से मैं ठीक से वीडियो नहीं कर पाता, तो यही सीन है। और मैं ट्राईपॉड नहीं यूज़ करता जिम में, मतलब वो बहुत सीन हो जाता है भाई, ट्राईपॉड लेके जाना यार, ये बहुत बड़ा सीन हो जाता है, तो यही सीन है। तो ट्राई करेंगे जितना, मतलब कल का लेग वर्कआउट है, तो आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊँगा रिकॉर्ड, बट 100% ट्राई करूँगा कि रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो यही सीन है बस। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, तो आज का पहला दिन था, तो मैं बताना चाहूँगा पहला दिन, मतलब पहले दिन में तो मील तो मैंने टाइम पे ले लिया, ठीक है, तो वो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है, पर कोई नहीं, मील टाइम पे हो रहा है मेरा। और बस यही सीन था कि दोपहर में बहुत नींद आई, तो 1 घंटा सोने वाला था मैं, पर फिर भी मैं 1.5-2 घंटे सो गया, ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, बहुत जल्दी उठ गया था, आज 5 बजे उठ गया था इसलिए। तो धीरे धीरे ये आदत सी पड़ जाएंगी और पूरा मैं ऑन पॉइंट आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज का वर्कआउट भी बहुत सही था भाई, शोल्डर वर्कआउट किया, 4
वेरिएशंस लिए और चार चार सेट में पूरा हेवी लिफ्ट किया, तो बहुत सही वर्कआउट रहा आज का और एक प्रोडक्टिव डे गया। तो ट्राई करेंगे और इम्प्रूव करें खुद को। तो यही था डे वन ऑफ 75 हार्ड। आपने अगर मेरे साथ शुरू किया है 75 हार्ड तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे, और आपको व्लॉग कैसा लगा और आपको और किस तरह के चैलेंजेस व्लॉग्स चाहिए ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक द चेंज।